नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में आयुष छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनका आंदोलन तेज हो चुका है। आयुष छात्र अब हर दिन नए नए तरीकों से विरोध कर अपनी बात सरकार के सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने और प्राथमिक उपचार जैसी मांगों को लेकर आयुर्वेद और होम्योपैथिक जूनियर डॉक्टर एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। मांग मनवाने के लिए छात्रों ने रक्तदान भी किया, साथ ही नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया, लेकिन सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वहीं एमपी नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल हालांकि अभी स्थगित कर दी है। इनका विरोध भोपाल में प्रतिनियुक्ति के जरिए होने वाली भर्ती के विज्ञापन को लेकर था। इनका कहना था कि सहायक नर्सिंग अधीक्षकों के पदों को डेपुटेशन से भरा जा रहा है, जबकि इन्हें प्रमोशन से भरना था। होम्योपैथी महाविद्यालय के छात्रों ने भी सोमवार को काले कपड़े पहन और आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार में बैठे गद्दारों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसको जगाने के लिए हम काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि इनका प्रदर्शन और कब तक चलता है और सरकार का इनके हित में क्या कुछ रुख और रवैया रहता है, क्या कुछ फैसला सामने आता है, या फिर यह इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।